हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑन माय चैनल। इस लेसन में मैं डिस्कस करूंगा एमबीपीएससी की वीकली टेस्ट सीरीज के बारे में। ये टेस्ट सीरीज मैं हर मंडे को रखूंगा, दैट इज ऑन एवरी मंडे आई विल कंडक्ट वन टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज फॉर एमबीपीएससी प्रीलिम्स 2019। और अगर बात की जाए सैटरडे और संडे की, तो उस दिन मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। और देन ट्यूजडे से फ्राइडे तक मैं डेली जो अपने एमपीपीएससी एमसीक्यू अपलोड करता हूँ, जो कुछ क्वेश्चंस के होते हैं, वो मैं कंटिन्यू रखूंगा। तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आपको इस जो टेस्ट पेपर जो मैंने बनाया हुआ है, अगर आपको ये टेस्ट पेपर चाहिए, तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं, या आप मेरे फेसबुक पेज से भी, मीन्स फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक का मेरा जो पेज है और लिंक है, अगर आप देख सकते हैं, facebook.com/aditya-dubey-mppsc। ओके, सो लेट्स बिगिन। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये टेस्ट पेपर शुरू करने से पहले अगर आप इसको वाकई देना चाहते हैं, तो आप एक पेन पेपर ले लीजिए और साथ ही साथ आप उसमें मार्किंग्स करते जाइएगा कि आपका क्या क्या आंसर है। और अगर आपको लगता है कि आपने सही आंसर दिया, तो आप अपने नंबर कैलकुलेट करके कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ कल्प सूत्र, मतलब कल्प सूत्र का इनमें से लेखक कौन है। तो कल्प सूत्र का लेखक जो थे वो थे भद्रबाहु। ओके, ऑप्शन बी भद्रबाहु इज द करेक्ट आंसर। आंसर वन का है बी। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन, जिनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह, ये किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए कि हरिवंश नारायण सिंह अभी रिसेंटली क्या बने हैं। तो वो बने हैं राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन, और ये किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो वो है आंसर ए, दैट इज JDU, जनता दल यूनाइटेड। ओके, अगला क्वेश्चन है कि वेट लिफ्टर एस मीराबाई चानू बिलोंग्स टू विच स्टेट। अब मीराबाई चानू जी के बारे में बात करें, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट वेट लिफ्टर हैं और इन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड भी जीता है। ओके, तो अगर इनका स्टेट आपसे पूछा जाए, तो स्टेट है इनका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मणिपुर। मीराबाई चानू बिलोंग्स टू स्टेट मणिपुर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने जयप्रकाश नारायण एक जीवनी लिखी। ओके, जयप्रकाश नारायण एक जीवनी ऑथर्ड बाय हुम, तो ये जो लिखी गई है रामकृष्ण बेनीपुरी। ओके, रामकृष्ण बेनीपुरी इज द ऑथर ऑफ जयप्रकाश नारायण एक जीवनी। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर इनमें से कहां पे है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दीज, क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर जो है वो वियना में है, जो कि कैपिटल है ऑस्ट्रिया की। ओके, तो वियना ऑस्ट्रिया इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस स्टेट असेंबली ने ये रेजोल्यूशन पास किया है टू डिक्लेयर काउ एज राष्ट्र माता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने रिसेंटली एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसने काउ को राष्ट्रमाता डिक्लेयर किया है। अगला क्वेश्चन है कि सोफिया इज द कैपिटल ऑफ, अब ये सोफिया जो है ये किस देश की कैपिटल है। तो सोफिया जो कैपिटल है वो है बुल्गारिया की, याद रखिएगा बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया। और आपसे अगर एग्जाम में इथोपिया की पूछी जाए, तो इथोपिया की है एडिस अबाबा। ओके, और अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि सिक्योरिटी क्लियरेंस को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनमें से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ई सहज पोर्टल। ई सहज पोर्टल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ताकि सिक्योरिटी क्लियरेंस को किया जा सके, मीन्स टू फैसिलिटेट सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑफ बिजनेस। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन रिसेंटली DRDO का चीफ अपॉइंट किया गया है। तो DRDO के जो चीफ अपॉइंट किए गए हैं वो हैं ऑप्शन ए, दैट इज सतीश आर रेड्डी। ओके, यहाँ पे ऑप्शन बी लिखा हुआ है, एक्चुअल में ए होना चाहिए, लेकिन ये चल जाता है। ओके, तो सतीश आर रेड्डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द DRDO चीफ। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इनमें से कहाँ पे सिचुएटेड है। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है जोधपुर में। ओके, जोधपुर कहाँ पे है, जोधपुर राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट जो रहता है वो इनमें से किस एलिमेंट का बना होता है, मीन्स किस एलिमेंट का बना होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दीज, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ब्रास गेट डिसकलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग गैस इन एयर, मतलब जो ब्रास रहता है वो डिसकलर्ड हो जाता है एयर में, क्योंकि इनमें से किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है ये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड।
हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण ब्रास का जो कलर होता है वो डिसकलर हो जाता है, मींस उस हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस के कारण ब्रास का कलर उड़ जाता है। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, मींस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में? तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आप, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्रोमाइन। ओके, ब्रोमाइन लिक्विड रहता है एट रूम टेम्परेचर। अगर बात की जाए, अगर यहाँ पे मरकुरी लिखा होता तो मरकुरी भी सही आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूजुअली कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है इलेक्ट्रिक बल्ब में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रोमाइन इज, ब्रोमाइन क्या है इनमें से? तो ब्रोमाइन जो है वो एक रेड लिक्विड है। ओके, रेड लिक्विड है ब्रोमाइन। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो है लखनऊ में। ओके, लखनऊ में है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया है तो 17th क्वेश्चन को मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश कब किया गया था? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1906। 1906 को फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया था, और ये है कहाँ पे? ये है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक का गांधी के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? हु इज कॉल्ड गांधी ऑफ कर्नाटका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सदाशिव राव। सदाशिव राव को कर्नाटक का गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डिगबोई ऑयल रिफाइनरी स्टैब्लिश कब की गई थी? तो डिगबोई ऑयल रिफाइनरी स्टैब्लिश की गई थी 1901 में, और ये है आसाम में। अगला क्वेश्चन है कि लुधियाना इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? तो लुधियाना की अगर बात की जाए तो ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। लुधियाना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलज। अगला क्वेश्चन है कि भारतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से कहाँ सिचुएटेड है? तो भारतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सिचुएटेड है वो है राजस्थान में। याद रखिएगा, राजस्थान में सिचुएटेड है भारतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ हल्दीघाटी जो कि 1576 में हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो वो भी हुई थी राजस्थान में। ओके, राजस्थान में हुई थी बैटल ऑफ हल्दीघाटी, दैट टुक प्लेस ऑन 1576। अगला क्वेश्चन है कि अलमाटी डैम किस नदी पर बना हुआ है? अलमाटी डैम इज बिल्ट ऑन रिवर। तो अलमाटी डैम जो है वो कर्नाटका में सिचुएटेड है, और ये बना हुआ है कृष्णा नदी पर। ओके, अलमाटी डैम इज बिल्ट ऑन कर्नाटका एंड इट इज बिल्ट ऑन रिवर कृष्णा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फोर्क का संबंध इनमें से किस खेल से है? तो फोर्क की अगर बात की जाए तो इसका संबंध है चेस गेम से। अब ये फोर्क जनरली होता क्या है कि एक आपका जो पीस होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो नाइट होता है, मीन्स घोड़ा रहता है, वो एक साथ डबल अटैक करता है, जैसे चेक भी देता है और क्वीन को भी अटैक करता है, या चेक देने के साथ किसी और इम्पोर्टेंट पीस को भी अटैक करता है। तो एक साथ दो पीसेस को अटैक करने को कहते हैं फोर्क। तो ये जो संबंधित है ये चेस से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि यक्षगान डांस जो है वो किस राज्य के साथ एसोसिएटेड है? तो यक्षगान डांस जो है वो कर्नाटका के साथ एसोसिएटेड है, ऑप्शन ए कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरेशन इन सेकेंड ऑफ नेशनल सॉन्ग्स, नेशनल सॉन्ग का ड्यूरेशन कितने सेकेंड का होता है? तो नेशनल सॉन्ग जो हमारा वंदे मातरम है उसका जो ड्यूरेशन होता है, एवरेज ड्यूरेशन, वो होता है 65 सेकेंड। याद रखिएगा, 65 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ नेशनल सॉन्ग। अगर बात की जाए 52 की, तो 52 हमारा नेशनल एंथम जो कि जनगण मन है उसका ड्यूरेशन है। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ नेशनल सॉन्ग डन बाय, मतलब वंदे मातरम का इंग्लिश ट्रांसलेशन इनमें से किसने किया था? तो वंदे मातरम का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था वो किया था अरविंद घोष जी ने। अरविंद घोष ट्रांसलेटेड द नेशनल सॉन्ग ओके इनटू इंग्लिश। अगर बात की जाए आपसे उर्दू ट्रांसलेशन पूछा जाए तो वो है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने इसका उर्दू ट्रांसलेशन किया था, वेयर एज इंग्लिश ट्रांसलेशन अरविंद घोष ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल कैलेंडर अडॉप्ट कब किया गया था? नेशनल कैलेंडर अडॉप्टेड ऑन, तो नेशनल कैलेंडर जो अडॉप्ट किया गया था वो किया गया था 1957 को। 1957 को नेशनल कैलेंडर अडॉप्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो एस्टेब्लिश्ड ऑन, तो इसरो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15th of August 1969 को। 15th of August 1969 को इसरो की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और इसरो के अगर आपसे वर्तमान में चेयरमैन पूछा जाए तो वो है के सीवान। ओके, के सीवान इज द करेंट चेयरमैन ऑफ द इसरो।
और इसकी स्थापना हुई थी 1969 को। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि इंडिया की पहली ट्रेन कौन सी है जिसको ISO 9001 सर्टिफिकेट मिला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज भोपाल एक्सप्रेस। भोपाल एक्सप्रेस फर्स्ट ट्रेन है इंडिया की जिसको ISO 9001 सर्टिफिकेट मिला। अगला क्वेश्चन है कि पहला ह्यूमन राइट कमीशन एग्जिस्टेंस में कब आया। फर्स्ट ह्यूमन राइट कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 12th of October 1993 को। 12th of October 1993 को फर्स्ट ह्यूमन राइट कमीशन एग्जिस्टेंस में आया। ओके, अगर बात की जाए कि हु कैन ऑफिस द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन फॉर ह्यूमन राइट कमीशन, मतलब ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन इनमें से कौन बन सकता है। तो ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज द चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन। अगला क्वेश्चन है कि सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इन्फोर्स्ड ऑन। सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट इन्फोर्समेंट में कब आया, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1st of June 1955। 1st of June 1955 को एन्फोर्समेंट में आया सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। अगर बात की जाए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35 की कि डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड ट्रायबल अंडर सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट मेंशन्ड अंडर विच सेक्शन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेक्शन 15। सेक्शन 15 में बताया गया है उन ऑफेंसेस के बारे में जो कि कॉग्निजेबल और ट्रायबल है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सेक्शंस मेंशन्ड अंडर SC and ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट ऑफ 1989, कितने धाराएं मेंशन्ड है SC ST एक्ट में। तो ये जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 23। 23 सेक्शंस मेंशन है SC ST एक्ट में। अगला क्वेश्चन है कि प्राइज मनी फॉर जननायक तांत्या भील अवार्ड इज। जननायक तांत्या भील अवार्ड की प्राइज मनी इनमें से क्या है, तो जननायक तांत्या भील अवार्ड की जो प्राइज मनी है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 1 लाख। 1 लाख इज द प्राइज मनी फॉर जननायक तांत्या भील अवार्ड। अगला क्वेश्चन है कि स्वयं सिद्ध प्लान हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो स्वयं सिद्ध प्लान जो है वो लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा। वेस्ट बंगाल लॉन्च द स्वयं सिद्ध प्लान। अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद नाटो नेशन। नाटो नेशन के साथ इनमें से किस कंट्री ने एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल याद रखिएगा, कीव है कैपिटल यूक्रेन की, और यूक्रेन ने ऑर्गेनाइज किया है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद नाटो नेशन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि ब्रह्मोदय भूमि वॉज द लैंड टाइप ऑफ विच डायनेस्टी। ब्रह्मोदय भूमि का संबंध इनमें से किस डायनेस्टी के साथ है, तो ब्रह्मोदय भूमि का संबंध है चोल डायनेस्टी के साथ। चोल डायनेस्टी का याद रखिएगा, विजयालय इज द फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ सामूगढ़ फोर्ट कब की गई थी। बैटल ऑफ सामूगढ़ जो फोर्ट की गई थी वो की गई थी 1658, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 1658 को बैटल ऑफ सामूगढ़ फोर्ट की गई। अगला क्वेश्चन है कि वहाबी मूवमेंट को इनमें से किस गवर्नर ने सप्रेस किया, मीन्स किस गवर्नर जनरल ने वहाबी मूवमेंट को सप्रेस किया, तो इसका सही आंसर है लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन सप्रेस्ड द वहाबी मूवमेंट। 43rd क्वेश्चन है कि इनमें से पब्लिक अकाउंट कमेटी में राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं, तो राज्यसभा के अगर मेंबर्स की बात की जाए तो वो है ऑप्शन ए, दैट इज 7 मेंबर। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर बात की जाए तो इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिनमें से 7 राज्यसभा के होते हैं और 15 लोकसभा के होते हैं, तो टोटल कितने मेंबर हो गए, 22। और वहीं अगर ऑप्शन डी की बात की जाए 30, तो वो होते हैं एस्टिमेट कमेटी में, और एस्टिमेट कमेटी में जो पूरे मेंबर्स होते हैं वो पूरे के पूरे लोकसभा के होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शनल मनी। ऑप्शनल मनी का इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चेक। चेक इज द एग्जाम्पल ऑफ एन ऑप्शनल मनी। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सी इंडियन फिल्म क्वालिफाई की गई है इंडिया की तरफ से ऑस्कर 2019 की एंट्री के लिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विलेज रॉक स्टार। ये एक आसामी फिल्म है, ओके, जो कि क्वालिफाई की गई है इंडिया की तरफ से ऑस्कर 2019 के लिए, एक परफेक्ट एंट्री के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है कि नेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूट इनमें से कहाँ पे है। ओके, नेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है जयपुर में। ओके, जयपुर में सिचुएटेड है नेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग इज लेगून लेक। लेगून लेक का उदाहरण इनमें से कौन सी लेक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पुलिकेट।
पुलिकट जो लेक है वो एक एग्जाम्पल है लगून लेक का। अगला क्वेश्चन है कि लोटस टेम्पल जो नई दिल्ली में सिचुएटेड है वो उसका संबंध किस धर्म से है। लोटस टेम्पल ऑफ न्यू दिल्ली इज रिलेटेड विद विच रिलीजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बहाई। बहाई रिलीजन से संबंध है लोटस टेम्पल का जो कि सिचुएटेड है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि पल्स रेट इनमें से किसके द्वारा मेजर की जाती है। तो पल्स रेट जो मेजर की जाती है वो आर्टरीज के थ्रू मेजर की जाती है। ओके, आर्टरीज के थ्रू पल्स रेट मेजर की जाती है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 50। कबड्डी मैच का जो कि पुरुषों का होता है उसका हाफ टाइम कितने मिनट का होता है। तो कबड्डी मैच का जो हाफ टाइम होता है वो होता है 15 मिनट्स का। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस चोला किंग ने टाइटल अडॉप्ट किया था जिसको कहते हैं नरकेसरी। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि चोल साम्राज्य का फाउंडर था विजयालय, और उन्हीं ने नरकेसरी की उपाधि ली थी। ओके, विजयालय अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ नरकेसरी। अगला क्वेश्चन है कि द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर ऑन एक्सपोजर इज कॉल्ड। तो इसको कहते हैं डेलिक्विसेंस। ओके, डेलिक्विसेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन एक्सपोजर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज। तो यहाँ पे एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर है 3.5%। 3.5% इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। 54th क्वेश्चन है कि गैल्वनाइज्ड आयरन शीट में किस चीज की कोटिंग होती है। तो गैल्वनाइज्ड आयरन शीट में कोटिंग होती है जिंक की। अगला क्वेश्चन है कि मोनोजाइट इनमें से किस चीज का ओर है। तो वो है थोरियम का। थोरियम इज द मोनोजाइट इज द ओर फॉर थोरियम। अगला क्वेश्चन है कि सोडा वाटर इनमें से क्या कंटेन करता है। तो सोडा वाटर कंटेन करता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट स्टेबल इन वाटर, इनमें से क्या चीज स्टेबल होती है वाटर में। तो वो होती है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शुगर। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम इनमें से किस में कैप्ट किया जाता है, मींस सोडियम इज कैप्ट अंडर व्हाट। तो सोडियम कैप्ट किया जाता है केरोसिन में। ओके, केरोसिन में कैप्ट किया जाता है सोडियम। अगला क्वेश्चन है कि जो फायरवर्क्स होते हैं उसमें जो ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस होता है वो किसके कारण होता है। तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बेरियम के कारण। बेरियम के कारण जो फायरवर्क्स होते हैं उसमें ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मेटल पॉल्यूट करता है एयर बड़ी सिटीज को। तो बड़ी सिटीज की जो एयर पॉल्यूशन होता है उसका मेन कारण होता है लेड की प्रेजेंस के कारण। लेड की प्रेजेंस के कारण होता है पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि 1 फैथम इज इक्वल्स टू व्हाट। तो 1 फैथम इक्वल इक्वलेंट होता है 6 फीट के। 6 फीट इज इक्वलेंट टू 1 फैथम, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि मलेशियन ओपन टाइटल वन बाय। अब ये मलेशियन ओपन जो है ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है, और इसको जो जीता था ये मलेशियन नेशनलिस्ट ही है जिनको बहुत ही बड़े प्लेयर माने जाते हैं, ली चोंग बी। ली चोंग बी वन द मलेशियन ओपन 2018। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है 20th of June को। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य ने स्टार रैंकिंग अनाउंस की है अपने विलेजेस के लिए। तो स्टार रैंकिंग जो अनाउंस की है वो की है हरियाणा ने। ओके, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। हरियाणा स्टेट अनाउंस्ड स्टार रैंकिंग फॉर इट्स विलेज। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्स्ट इंडियन बने हैं, मतलब फर्स्ट इंडियन पीएम बने हैं जिन्होंने किस कंट्री की पार्लियामेंट को 25 जुलाई 2018 को एड्रेस किया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एमपीपीएससी के लिए। तो ये जो एड्रेस किया था वो किया था युगांडा को। ओके, युगांडा की पार्लियामेंट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया था, और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने युगांडा की पार्लियामेंट को एड्रेस किया। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस स्टेट ने पौधागिरी मूवमेंट अनाउंस किया है। तो पौधागिरी जो मूवमेंट है वो अनाउंस किया गया था हरियाणा स्टेट के द्वारा। ओके, पौधागिरी मूवमेंट वॉज अनाउंस बाय हरियाणा। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि नोएडा में इंस्टॉल की गई है ये किस कंपनी के द्वारा की गई है। तो ये की गई है सैमसंग के द्वारा, जो कि आंसर है नन ऑफ दीज। ओके, और इसलिए साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है मून जे इन वो आए थे इसका उद्घाटन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि डेथ वैली कहाँ पे सिचुएटेड है। तो डेथ वैली जो सिचुएटेड है वो है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है डेथ वैली। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि ऑस्ट्रेलिया की डिस्कवरी जेम्स कुक ने किस वर्ष की थी। तो जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की डिस्कवरी की थी 1769 को। 1769 को जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की डिस्कवरी की थी। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17।
स्वेज कैनल को नेशनलाइज कब किया गया था? तो स्वेज कैनल को नेशनलाइज किया गया था 1956 को। अब याद रखिएगा 1869 को स्वेज कैनल का निर्माण हुआ था, लेकिन अगर आपसे नेशनलाइजेशन पूछा जाए तो वो है 1956। ओके, और स्वेज कैनल कनेक्ट किसको करती है? तो ये कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी को रेड सी से, और ये सिचुएटेड कहाँ पे? ये सिचुएटेड है इजिप्ट में। अगला क्वेश्चन है कि मोहन जोदड़ो की डिस्कवरी कब हुई थी? तो मोहन जोदड़ो की जो डिस्कवरी है वो की थी राखल दास बैनर्जी ने, और ये की थी 1922 को। 1922 को राखल दास बैनर्जी जी ने मोहन जोदड़ो की डिस्कवरी की थी। यदि ऑप्शन ए की बात की जाए तो 1921 को जो हड़प्पा साइट है उसकी डिस्कवरी की थी दयाराम साइनी जी ने। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 108। 108 उपनिषद होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दीने लाही किस वर्ष स्थापना हुई थी? दीने लाही फाउंडेड ऑन, तो दीने लाही की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1582 को। 1582 को दीने लाही की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर अकॉर्डेड ऑन, मतलब ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब साइन की गई थी? तो वो की गई थी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1665। 1665 को ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में कितने मेंबर थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट जो अधिवेशन या सेशन हुआ था उसमें ऑप्शन ए, दैट इज 72 मेंबर्स थे। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि सुभाष चंद्र बोस जी ने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता कब कहा? तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को 1944 को कहा। ओके, 1944 को महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता संबोधित किया। अब अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिसाइडेड ऑन, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था जॉर्ज यूले, तो उन्होंने प्रिसाइड कब किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1888। 1888 को जॉर्ज यूले, जॉन जॉर्ज यूले जो कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने प्रिसाइड किया। अगला क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, और इसकी स्थापना हुई थी 1939 को। 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, और ये इसकी स्थापना हुई थी ढाका में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से देश ने सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की? तो ग्रीन रेवोल्यूशन की सबसे पहले शुरुआत की थी फिलीपींस ने। ओके, फिलीपींस ने शुरुआत की थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, और फिलीपींस की कैपिटल क्या है? वो है मनीला। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है कि डीपी धर ने इनमें से कौन सा 5 ईयर प्लान प्रिपेयर किया था? तो डीपी धर जी ने इनमें से फोर्थ ईयर प्लान प्रिपेयर किया था, मीन्स फोर्थ 5 ईयर प्लान प्रिपेयर किया था। अगला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म की गई? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई थी जुलाई 1946 को। अगला क्वेश्चन है कि पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट मेंशन अंडर व्हाट, अंडर विच आर्टिकल, मतलब क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत दी गई है? तो क्षमादान की शक्ति मीन्स पार्डनिंग पावर जो दी गई है वो आर्टिकल 72 के तहत दी गई है। अगर बात की जाए 61 की, तो 61 में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 1 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं? 1 जूल इज इक्वलेंट टू हाउ मेनी अर्ग्स, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 10^7। 10^7 अर्ग्स होते हैं 1 जूल में। अगला क्वेश्चन है कि पांड्य डायनेस्टी की इनमें से कौन सी कैपिटल रही? पांड्य डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो थी मदुराई। ओके, मदुराई वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्य डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया ने अपना पहला गोल्ड हॉकी में कब जीता? मीन्स ओलंपिक की बात हो रही है यहाँ पे। ओलंपिक में इंडिया ने जो पहला गोल्ड जीता था हॉकी में, वो जीता था 1928 में। ओके, 1928 में इंडिया ने अपना पहला गोल्ड हॉकी में जीता था। अगला क्वेश्चन है कि एग्जाम वॉरियर जो बुक है वो किसने ऑथर की? तो एग्जाम वॉरियर जो बुक है वो ऑथर की है नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, नरेंद्र मोदी जी ऑथर्ड एग्जाम वॉरियर। अगला क्वेश्चन है कि पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट किस वर्ष फॉर्म की गई थी? तो पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो फॉर्म की गई थी वो की गई थी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1967 को। अगला क्वेश्चन है कि कॉमेट का ड्यूरेशन इनमें से कितने साल का होता है? तो कॉमेट का ड्यूरेशन जो होता है वो 76 इयर्स का होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतीक्षा इनमें से किसके द्वारा ऑथर की गई? प्रतीक्षा जो ऑथर की गई है वो नन ऑफ दीज है, क्योंकि वो ऑथर की गई है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। हरिवंश बच्चन
हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा प्रतीक्षा ऑथर की गई है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 91। अगला क्वेश्चन है कि सरोद में इनमें से कितनी स्ट्रिंग्स होती हैं? ओके, सरोद कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी स्ट्रिंग्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 19। 19 स्ट्रिंग्स कंप्राइज होती हैं सरोद में। अगला क्वेश्चन है कि सेट एक स्टॉक इंडेक्स है, ये किस स्टॉक एक्सचेंज है, ये किस देश का है? तो सेट जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दीज। मीन्स यहाँ पे ई लिखा हुआ है लेकिन आप डी कंसिडर कीजिए, क्योंकि सेट जो है वो स्टॉक इंडेक्स है थाईलैंड का। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया ने एशियन गेम्स 2018 में कितने गोल्ड मेडल जीते? इंडिया वन हाउ मेनी मेडल ऑन एशियन गेम्स 2018? अब एशियन गेम्स 2018 की बात की जाए तो ये हुआ था इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया में भी स्पेसिफिक पूछा जाए तो जकार्ता और पालमबेक नाम के दो शहर में एशियन गेम्स 2018 हुआ था। इंडिया ने टोटल मेडल्स जो जीते थे वो जीते थे 69, और इंडिया की जो रैंक आई थी वो आई थी 8th रैंक, और इंडिया ने टोटल गोल्ड मेडल जो जीते थे वो जीते थे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 15। ओके, 15 गोल्ड मेडल जीते थे इंडिया ने एशियन गेम्स 2018 को। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में कितने मेडल जीते, मींस कितने गोल्ड मेडल जीते? तो इंडिया ने जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीते वो जीते 28। अब कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 जो हुआ था वो हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, तो याद रखिएगा गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 हुए थे और इंडिया ने उसमें 28 गोल्ड मेडल जीते। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन कौन है? अब मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं तो ये सितंबर 2018 को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप इसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। तो नारायण रामचंद्रन जी जो हैं ये हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निवाड़ी जो कि हमारा 52nd डिस्ट्रिक्ट बना है मध्य प्रदेश का, ये किस दिनांक को बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 9th of July 2018। अच्छा, कुछ जगह आपको 10th of July भी मिलेगा लेकिन एक्चुअल में जो जो लेटर आया है वो 9th of July 2019 को आया है, तो इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया। 9th of July 2018 को निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किया गया। अगला क्वेश्चन है कि एंग्लो इंडियंस के लिए मध्य प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स होती हैं? अब मध्य प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जाए तो उसमें 230+1 सीट्स होती हैं, मतलब एक सीट जो एक्स्ट्रा रहती है वो एंग्लो इंडियंस के लिए रहती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 97। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, लोकसभा की सीट मध्य प्रदेश में कितनी है? तो लोकसभा की सीट जो मध्य प्रदेश में है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 29। अगर राज्यसभा की सीट की बात की जाए तो वो है क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज 11। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 11। 11 सीट है राज्यसभा की और 29 सीट है लोकसभा की। क्वेश्चन नंबर 99 इज नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स इन आसाम, आसाम में राज्यसभा की सीट्स कितनी है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 7। 7 सीट्स कंप्राइज होती हैं आसाम में राज्यसभा के लिए। क्वेश्चन नंबर 100, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, कि जापान का एंशियंट नेम क्या है? एंशियंट नेम ऑफ जापान इज, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज निप्पन। सो आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये टेस्ट पेपर अच्छा लगा तो प्लीज आप मेरे को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के टेस्ट पेपर कंटिन्यू बनाते रहूं तो प्लीज आप जरूर मुझे सपोर्ट कीजिए और आप मुझे जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा इजी पेपर था जो कि एमबीबीएससी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस थोड़े से हार्ड पेपर में करनी है, तो मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में और अच्छा पेपर सेट करने की। और ये जो क्वेश्चंस की मैंने जैसे आपको बताया कि आपको अगर आपको इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और या तो आप मेरे फेसबुक के पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको। सो दैट्स इट फॉर नाउ, आई होप यू लाइक्ड इट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, गुड लक, बाय बाय।